सरकार यदि किसानों को पराली में आग लगाने से रोकना चाहती है तो उसे हर जिले में 2-3 ऐसे पावर प्लांट लगाने चाहिए जहां पराली से बिजली बनाई जा सके। फिर देखिए, पराली ढूंढे नहीं मिलेगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में 8 मेगावाट का एक ऐसा ही पावर प्लांट है जहां पराली से बिजली बन रही है। ये पावर प्लांट आसपास के क्षेत्र में 70,000 एकड़ पराली किसानों से हर साल खरीद लेता है। मतलब ये कि ये पावर प्लांट 70,000 एकड़ पराली को जलने से बचा लेता है। नमस्कार दोस्तों, जिस पराली को किसान बेकार समझकर आग लगा देते हैं उसी पराली से यहाँ बिजली बनाई जा रही है। यहाँ पराली खरीदी जाती है 160 रुपये प्रति क्विंटल और उसी पराली से बिजली बनती है और फिर उस बिजली का यूज पीछे एक फैक्ट्री है, पेपर मिल है, उसमें यूज होता है। ये सारा काम करते हैं जगन्नाथ जी। चलिए उन्हीं से जानते हैं पराली से बिजली कैसे बनाते हैं और फिर उसका यूज अपनी पेपर मिल में कैसे करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं देख रहा हूँ जो पीछे आपकी एक तो पावर प्लांट है जिसमें पराली से बिजली और एक आपकी पेपर इंडस्ट्री है, तो दर्शकों को बताइए कि आप कैसे पराली खरीद कर उसका यूज कर रहे हैं और क्या भाव किसानों को देते हैं और कब शुरू किया जी? टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारा ये पराली का सीजन शुरू होता है सितंबर का 20 तारीख से और एक चलता है अक्टूबर का लास्ट तक, तो लगभग 40 दिन का सीजन होता है। ये सीजन में हमारा पूरा सालों के लिए फूल इकट्ठा करना पड़ता है, तो ये पराली हम डायरेक्ट से भी लेता हूँ, मिडिल मैन कोई ठेकेदार है इसके भी लेता हूँ, जो भी लेता है सबके लिए मेरा बराबर भाव है। इसमें हम 160 रुपया पर क्विंटल हिसाब से पैसा देता हूँ, ये कैश पेमेंट मिलता है। तो हम ये सारा साल के लिए इकट्ठा करने के लिए हम 100 एकड़ जमीन रखा है स्टॉक के लिए, इसमें हम सारा साल के लिए स्टॉक करता हूँ। ये स्टॉक करने के साथ साथ हमारा 2 बॉयलर है, जो बॉयलर में सबूत पुराली चलता है बेल एस सच बेल, और एक बॉयलर है जिसमें पुराली को कूट के चलाना पड़ता है। एक्चुअली पुराली का अंदर जो हीट वैल्यू है, ये हीट वैल्यू को यूटिलाइज करके हम स्टीम बनाता हूँ, जो स्टीम कोयला से भी बनता है, छिलका राइस हस्क में भी बनता है। लेकिन हमारा मिल पुराली को प्रमोट कर रहा है क्या, ये पुराली में ज़्यादा वातावरण को दूषित करता है, तो हम ये पुराली को यूटिलाइज करके वातावरण को स्वच्छ बना रहा हूँ। तो सर, आपका जो पेपर मिल इंडस्ट्री है इसमें कितनी बिजली की जरूरत थी और क्या वो सारी बिजली खुद बना रहे हैं आप? हमारे पास सरप्लस भी है कुछ, हमारा बिजली का कोई कमी नहीं है। हमारे पास 8 मेगावाट अभी बिजली बनता है, हमारे प्लांट में 6-6.5 मेगावाट का कंजम्पशन है, तो बाकी हम सरकार को भी दे सकता है। हमारा सब MOU हुआ था लेकिन इसका रेट हमारा सूट नहीं किया, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ा। मतलब ये है कि आपकी 6-6.5 मेगावाट की फैक्ट्री में कंजप्शन है पेपर मिल में, 8 मेगावाट का आपने पावर प्लांट लगाया है और ये 8 मेगावाट बिजली आप पराली से बनाते हैं? बिल्कुल। और वो पराली किसानों से खरीदते हैं? खरीदते हैं। ये आसपास कितनी पराली साल भर में आप खरीदते हैं, कितने एकड़ की पराली? हमारा पिछले साल हम 12 लाख क्विंटल पराली परचेस किया था, ये साल भी हमारा इतना ही टारगेट है, लेकिन ये साल अभी बारिश के लिए सीजन थोड़ा लेट चालू हुआ, हमारा कोशिश है उतना ही कलेक्शन करना। तो ये जो 12 लाख क्विंटल हम परचेस करता हूँ तो लगभग 70,000 एकड़ जमीन को हम बचा सकता हूँ पराली से आग लगाने से। यानी कि 70,000 एकड़ जमीन की पराली आप खरीद लेते हैं साल भर में और उस पराली से फिर आप बिजली बनाते रहते हैं हर दिन, और वो पराली का जो जलाते थे किसान वो आपने बचा लिया। इसके साथ साथ हम ये 40 दिन के लिए बहुत ज़्यादा रोजगार भी दे रहा हूँ। हमारा जो अभी जो कम से कम डेली 4,000 से 6,000 आदमी काम कर रहा है इस काम में, पुराली जो बेल बन रहा है इसको लोड कर रहा है, इसको ट्रैक्टर भर के ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसके साथ इसको स्टॉक कर रहा है, इसमें जो टोटल मैन पावर डेली हमारा 4,000 से 6,000 आदमी काम कर रहा है। 4,000 से 6,000 आदमी डेली 40 दिन के लिए मैं रोजगार दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा रोजगार दे रहे हैं। और बाकी यहाँ कितने लोग काम करें आपके प्लांट में? जो प्लांट में हमारा रेगुलर बेसिस में 600 आदमी काम करता है। 600 आदमी काम करता है। और अगर पावर प्लांट की बात करें इसके लिए अलग से, कि अगर पावर प्लांट में इसमें 150 आदमी हैं, 150 आदमी आपके काम करता है। दोस्तों आपको बता दूं, जगन्नाथ शाह जी सैनसन पेपर प्राइवेट लिमिटेड में वाइस प्रेसिडेंट हैं, वर्क देखते हैं, सारा काम देखते हैं। और ये जो इनकी पेपर मिल है ये कुरुक्षेत्र के पेहवा में स्थित है, पेहवा के पास एक गाँव है, और यहाँ पर ये हर साल आसपास के इलाके की 70,000 एकड़ जमीन में जो धान की पराली होती है उसको खरीद लेते हैं। आप देखिए, हमने शॉर्ट्स में आपको दिखा रहे हैं कि ट्रेली ट्रैक्टर भरकर यहाँ आते हैं और वो यहाँ पे अनलोड होते हैं। 160 रुपये क्विंटल के हिसाब से आप पराली लाइए, कैश पेमेंट ले जाइए।
और करीब एक एकड़ में 20 क्विंटल पराली हो जाती है, अलग अलग वैरायटी के हिसाब से डिपेंड करता है। उस 20 के हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो करीब 3200 रुपए की पराली ये खरीद लेते हैं। अगर किसान पराली को बेकार समझता है तो बेकार न समझे, उसको बेच सकता है और उसको जो खर्चा आएगा उससे कुछ ना कुछ बचत होगी। चलिए थोड़ी सी बिजली की जानकारी लेते हैं। सर आपके 2 मेगावाट प्लांट है, टर्बाइन है, एक 5 मेगावाट का, एक 3 मेगावाट का। जी जी, दोनों में हमारा पराली चलता है। एक में एसएच बेल चलता है, जैसे बेल किसान सप्लाई कर रहा है वो डायरेक्ट फीड होता है। दूसरा एक बॉयलर है जिसमें हमारा पुराली को कूट के यूज करना पड़ता है, काट के यूज करना पड़ता है। तो दोनों में पुराली 100% पुराली चल सकता है। खाली हरियाणा में हम ही है जो 12 लाख क्विंटल पुराली इस्तेमाल कर रहा हूँ, और कोई मिल नहीं है। सबसे ज्यादा आप ही ले रहे हैं? बिल्कुल सर। आपने बताया था कि पराली सीधे जलाने से, पराली जलाने से एक्चुअली पुराली जब खेत में जलता है, जो कोई चीज जलाने के लिए सफिशियंट क्वांटिटी ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए, तो लेकिन खेत में जब जलता है वो उसका सफिशियंट एयर नहीं मिलता, तो वो पूरा जलता नहीं है। नहीं जलने के लिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का बगैर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, जो ज़्यादा जहरीली गैस है। हम हमारा बॉयलर में यही पुराली को कंट्रोल हवा देके इन टर्म्स ऑफ फैन, हमारा पास बॉयलर में काफ़ी फैन होता है, फैन से हवा देता हूँ, इस हवा से इनको परफेक्ट कॉम्बर्शन होता है, मतलब पूरा जल जाता है। जल के इसका अंदर जो भी हीट है पूरा जल के कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो एक्चुअली नुकसान नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा पेड़ पौधा को लेता है, तो इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड कोई नुकसान नहीं है, लेकिन खेत में जलाने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये बहुत खतरनाक है। इसमें सब हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा इधर बिल्कुल नहीं होता, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और इसके साथ जो पार्टिकुलेट मटेरियल जो धुआं के साथ हवा में उड़ के जाता है, ये भी बहुत खतरनाक है। ये निकालने के लिए हमारे पास एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस, सबसे मॉडर्न डिवाइस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर बोलता है, ये हमारे पास लगा हुआ है। इसमें हमारा कोई डस्ट पार्टिकल एटमोस्फेयर में जाने में रुकता है। दोस्तों जैसा जगन्नाथ शाह जी ने बताया, ये किसानों से सीधे पराली खरीद कर उनको फायदा पहुंचा रहे हैं और फिर उस पराली से बिजली बनाते हैं, तो इसमें बीच में रोजगार जनरेट कर रहे हैं। करीब 150 लोग इनके पावर प्लांट में काम करते हैं और फिर जो बिजली बनती है उसका अपने पेपर मिल में यूज़ करते हैं। मतलब 1.5 लाख यूनिट बिजली करीब ये यूज़ करते हैं, वो बाहर से लेनी पड़ती है अगर ये पराली से बिजली नहीं बनाते। तो इस तरह से किसानों का लाभ, रोजगार जनरेट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को फ़ायदा दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात ज़मीन को भी ख़राब होने से बचा रहे हैं, क्योंकि पराली जलाने से ज़मीन भी ख़राब होती है। ये हरियाणा में सबसे ज़्यादा पराली खरीदते हैं, कुरुक्षेत्र में है। हम ऐसे लोगों को आप तक इसलिए दिखाते हैं ताकि अच्छे काम करने वालों को बढ़ावा मिले, क्योंकि एक तीर से कई निशाने मार रहे हैं जगन्नाथ सिंह जी। ऐसी और स्टोरी देखने के लिए जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।